पंजाब की कुल सीटें 117 और ऐसे में वो जादुई आंकड़ा सरकार बनाने वाला 59 कौन पहुंच रहा है उस 59 के आंकड़े के पास, एक एक करके तमाम सर्वे आपके सामने रखने जा रही हूँ। सी वोटर का सर्वे आपके सामने है, यहाँ सबसे बड़े दल के तौर पर आम आदमी पार्टी 52 से 58 सीटें लेकर जा रही है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रही है आप। सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है, जी डिजाइन बॉक्स का सर्वे कह रहा है कि मामला पंजाब में फंसा हुआ है, 35 से 38 सीट कांग्रेस, 36 से 39 सीट आम आदमी पार्टी, 32 से 35 सीट अकाली दल गठबंधन। तो कुल मिलाकर जी डिजाइन बॉक्स वाला सर्वे बता रहा है मामला फंसा हुआ है। सी वोटर कह रहा है कि बहुमत के बेहद करीब आम आदमी पार्टी है। अगले सर्वे दिखाते हैं आपको, दो दो करके आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार सर्वे आते रहेंगे। अब ये देख लीजिए, रिपब्लिक पी मार्क का ये सर्वे है, वही बात जो सी वोटर का सर्वे कह रहा था ये सर्वे भी कह रहा है, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बहुमत के करीब, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रही। यही हो रहा था सी वोटर के सर्वे में भी, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रही थी आम आदमी पार्टी। और पोलस्ट्रैट न्यूज एक्स का सर्वे आप देख रहे हैं, वही बात जो जी डिजाइन बॉक्स का सर्वे कह रहा था कि मामला फंसा हुआ है, 40 से 45 सीटें कांग्रेस के खाते में, 47 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, 22 से 26 सीटें अकाली दल गठबंधन के खाते में। तो कुल मिलाकर अभी तक की तस्वीर ये कह रही है, चार सर्वेज आपने देख लिए, या तो आम आदमी पार्टी को बहुमत के करीब बताया जा रहा है या फिर मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो दो सर्वे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन्हें बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इनमें एक सर्वे है इंडिया अहेड ईटीजी का सर्वे, जो साफ तौर पर यह कह रहा है कि पंजाब में अब की बार आप सरकार सीधे 59 से 64 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं, इंडिया अहेड ईटीजी के सर्वे में। और वहीं दूसरा सर्वे वो महत्वपूर्ण इसलिए है, डीबी लाइव देशबंधु लाइव का सर्वे है, क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहा है कांग्रेस सरकार की पंजाब में एक बार फिर से वापसी हो रही है, 68 से 70 सीटें कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है इस डीबी लाइव के सर्वे में। तो अभी तक ये 6 सर्वे आपने देख लिए, लेकिन कुल 8 सर्वे जो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब का महा ओपिनियन पोल आपके सामने आ जाने वाला है। अब ये देख लीजिए, टाइम्स नाउ वीटो का ये सर्वे, और इसमें भी वही बात जो सी वोटर के सर्वे में सामने निकल कर आ रही थी कि सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत के बेहद करीब, लेकिन बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पा रही आम आदमी पार्टी, 54 से 58 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है टाइम्स नाउ वीटो के सर्वे में। और वही इंडिया न्यूज जन की बात में सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए पंजाब में संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर ऐसे में ये आ गया वो बड़ा आंकड़ा, पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा, मतलब ये सुपर ओपिनियन पोल कह लीजिए आप, महा ओपिनियन पोल कह लीजिए आप पंजाब का, जो ये कह रहा है कि मामला पंजाब में फंस सकता है, 42 से 47 सीटें कांग्रेस के खाते में, आम आदमी पार्टी के खाते में 48 से 52 सीटें, वहीं अकाली दल के खाते में 16 से 20 सीटें, और बीजेपी गठबंधन 1 से 3 सीट हासिल कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर पोल ऑफ पोल्स के इस आंकड़े को देखा जाए तो पंजाब में फाइट टाइट है, पंजाब किसी भी तरफ जा सकता है, मामला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आर पार का बना हुआ जरूर है, लेकिन अकाली दल के हाथ में जो किंग मेकर वाली भूमिका है, जो चाबी है सत्ता की, वो रह सकती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।